मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गांव देवी इलाके में नल पर पानी भरने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ये पूरा मामला गांव देवी के मोहम्मदिया चौल का है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मोहम्मदिया चाल में रहने वाली आफरीन शहबाज खान और रुबीना खातून चांदनी अफसरी बानो, इनके बीच में पानी भरने को लेकर विवाद शुरू हुआ और मारपीट होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाल पकड़कर यहां पर मारपीट की जा रही है। इसी बीच में हदीसुन निसा नाम की महिला जो उसी चावल में रहती है उससे भी बीच में झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि इन लोगों का विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, मगर आज नल पर पानी भरने पर मारपीट तक हो गई। मारपीट के दौरान अफसरी बानो के हाथ में वार लगा है। हालांकि मुमरा पुलिस में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ एनसी दर्ज कराई गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आफरीन शहबाज खान ने पूरे विवाद पर क्या बताया है, उसके बाद दूसरे पक्ष ने भी क्या बताया है वो भी आपको सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? आफरीन खान। क्या आपका विवाद हुआ था आपके पड़ोसियों से? हमारा व्यवहार एक साल पहले विवाद, हुआ था। विवाद क्या हुआ था? लपड़े क्या अभी हुआ ये था? पानी के ऊपर से नल पे हुआ था। अच्छा हाँ, बोल अभी ये मेरी अम्मी का घर है। मैं मेरा अच्छा? रूम देखो, वो जो पिंक वाला है ना, हाँ, वहाँ पर है। तो अब मेरा पानी मेरी अम्मी उनके घर में डालते, तो मैं अपने घर में अपना पानी नहीं डालूंगी। तू नहीं निकालेगी, बस एक ही घर पानी भरेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर। मेरा रूम अलग है ना। उन लोग का ऐसा बताना हाँ, है कि जो एक दो नल है सब नल पे आप पानी भरते हैं, किसी बताओ को भरने क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताइए? अब मेरा वो लाइन है, वो लाइन से मैं वो नल से भरती हूँ। मेरी मम्मी ये लाइन में रहते, ये लाइन से वो ये नल से भरते, क्या गलत है इसमें बताइए? जब आपकी वो लाइन है तो आप अपनी मम्मी के इधर से ये लाइन से पानी क्यों लेके जाते हो? मेरी ये लाइन से मैं वही लाइन से पानी भरती हूँ। हाँ, यहाँ से मैं पानी नहीं भरती, यहाँ से मेरा कुछ वास्ता नहीं है। हाँ, तो क्या बात पे फिर झगड़ा हो गया? ये बात पे ये झगड़ा हुआ कि तू पानी नहीं भर सकती। अब मेरी मम्मी का मेरा घर है, पानी यूज अभी मेरे पास घर में दो छोटे बच्चे, ये देखिए वो मेरा बेटा है, वो मेरे अब्बू के गोदी में, और वो मेरा बेटा है। पानी नहीं रहेगा तो मेरी माँ मुझे पानी अपने घर से देगी? तो ये लोग बोलते नहीं करने का। मैं अपने ससुराल से भगाई गई हूँ सर, तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल रहे, मेरे हस्बैंड है बाहर काम पे गए हुए हैं। ये लोग आप यही बात पे पकड़ो ना, हर रोज यही ताना। मेरी मम्मी घर में रहते नहीं, प्राइम हॉस्पिटल में काम पे जाते हैं। चाकू से मारा वो? किसने चाकू से मारा? या अल्लाह माफ करे, रमजान महीने में चाकू वाकू मैंने मेरे पास थी भी नहीं। मैं नंगे पैर पुलिस चौकी भागी है सर, आपको पुलिस चौकी वाले भी बता सकते हैं, मेरे पास कंप्लेंट पाउती है, मैं वो भी निकाल के आपको। दूसरी कंप्लेंट है मेरी। आपने भी कंप्लेंट कराया? मैंने पहले कंप्लेंट कराई, ये दूसरी कंप्लेंट है ये लोगों के खिलाफ मेरी सर। मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब पहले से चल रहा है? पहले से चल रहा है, तो ये पहले का बदला एक साल के बाद आज लिया जा रहा है। इनके कोई गांव से रिश्तेदार आए हैं तो ये सब मिलके बोलते हैं इसने कंप्लेंट, इसके जो ये लड़की के अब्बू है हदीस, उनके इतने हाफ चड्डी पे बाहर बैठ के नहाते, आंख पे एक भी कपड़ा नहीं है। मेरी अम्मी ने बोले मेरे घर में बेटियां हैं, आप ये कैसा कर रहे हो, ये कैसा नहा रहे हो, हम अपने दरवाजे में नंगे नहाए, तो ये गलत है ना सर। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये देख रहे हो ना आप, चड्डियों पे नहाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं उठाएगा। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आप नंगे नहाओगे तो कोई नहीं बोलेगा कि सर ये मेरी बात गलत है, क्या आप सही बोलो? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोलिए। ये ऐसा नंगे दरवाजों में नहाएंगे, फिर इनको कोई बोलने जाएगा तो ये उल्टा हम ही पे चढ़ेंगे, हम ही पे झगड़े करने आ जाएंगे और बोलेंगे झगड़े करती है, ये गलत है ना। इसी तरह से दूसरे तरफ से भी आरोप लग रहे हैं कि हदीसुन निशा के शौहर मुजीब बेग रात को बाहर चड्डी पहनकर नहाते हैं, जिस पर आफरीन ने एतराज जताया। हालांकि हदीसुन निशा ने बताया कि अब वो बाहर नहीं नहाते हैं। ये पूरा विवाद महिलाओं के बीच का है और रुबीना खातून चांदनी अफसरी और हदीसुन निशा ने इस मारपीट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? रुबीना खातून। मुबीना जी, ये जो अभी आप लोगों का इधर विवाद हुआ था, किस बात को लेके हुआ था और क्या विवाद था ये? वो पानी की वजह से, पानी भर अच्छे से भर के लाए और इधर खड़े हुए यहाँ डराम मिलते रहे, और इसको यहाँ आई है ये बस यहाँ लपेट के इधर मारने लगे। इसे किसने मारा है? और इसकी माँ ने। क्या नाम है? नाम क्या है? आरिफा। आरिफा जी, ये तुम्हारे हाथ पे जो लगा ये कैसे वो लगा? तो मैं बचा रही थी, बचाने के उसमें चाकू से वार किया गया मेरे हाथ। किसके हाथ में चाकू था? इनके बाप के हाथ में चाकू था और उसकी बहन के, बड़ी वाली के, और उसकी बहन के था। बाप में पुलिस चौकी गए थे आप लोग? जी हम लोग गए थे। क्या हुआ? एनसी लिखा है, टकरार हुआ, दर्ज लिखा उन्होंने, लेकिन ये बोला कि अभी जाओ आप और कल आना। कल बुलाए जी। और
हम लोग वहाँ के हॉस्पिटल से वो भी लेके आए हैं, हॉस्पिटल से भी दिखा के आए। मेडिकल को गए थे आप? जी। टाके आके आए हैं? जी। कितने टाके आए? एक ही दो आए हैं, ज्यादा 12 बजे सुबह जी हॉस्पिटल में ज्यादा ब्लड जा रहा था हमारे यहाँ। कितने बजे विवाद हुआ था? वही 11:30 बजे के करीब हुआ था। पानी कितने लोग भरते पानी? आप लोग पानी लोग भर रहे थे और जो जो लोग भरते थे उनका चार लोग भरते नल में। कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक नल में कितने लोग भरते हैं मेरे को मालूम नहीं है, कौन कौन भरता है कौन नहीं भरता। मैं अपनी सास और नंद को बचाने आई, बचाने में मेरे को वार किया गया। नल कौन है आपकी? ये है मेरी नंद और ये है मेरी सास। क्या नाम है आपका? चांदनी। मेन झगड़ा कैसे हुआ था वो बताओ, कैसे शुरुआत हुई? वो चांदनी वहाँ से हम यहाँ से इधर तक आई, वो इसी से कर तो उनकी बड़ी बहन आई तो मारने लगी आकर। जब आपको हाथ पे लगा था आप डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे या पुलिस चौकी गए थे? नहीं, डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे। पुलिस चौकी से मेमो नहीं लिया था नहीं, आपने? नहीं। अच्छा, बाद में हॉस्पिटल से आप पुलिस चौकी आए तो क्या कहा है? पुलिस चौकी में बुलाया गया था। आ जाओ इधर खड़ा हो जाओ जी। हाँ, बुलाया गया था हम लोग को। अच्छा, फोन मार के बुलाया गया? मार के बुलाया गया। सामने वाले जिससे विवाद हुआ था वो पहले से पुलिस चौकी में? पहले से पुलिस चौकी में जाके पहुंच गए और बोलने लगे कि ऐसा ऐसा किया, बोलने लगे उनकी औरत को हमको फोन करके बुलाया गया कि आप आइए, आप उनकी औरत है क्या? हमने कहा कहीं नंबर दीजिए, हमने उनको नंबर भी दिया अपने आदमी का और बोला ठीक है, कहीं की पुलिस चौकी में आप आइए और एक शहबाज नाम के लड़के की माँ को बुला के लेके आइए, साथ में दोनों जने आइए। तो हमने कहा ठीक है, हम फिर वहाँ पे नीचे गए तो उनको भी लेकर गए साथ में हम लोग। मगर आप कौन है? आप हम पड़ोसी हैं और समझ लीजिए रिश्तेदार। क्या नाम है आपका? मेरा हदीसुल नाम है। अच्छा जी, तो ये पानी को लेके कब से विवाद चलता है यहाँ? मेरा से नहीं मतलब है, हम पढ़ रहे थे कुरान शरीफ और इन लोग का मचमच बाहर कुछ हो रहा था पानी के लिए, वो मुझे मालूम नहीं। मगर जब ये इन लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे मरहम पीटी होने लगी तो मेरी लड़की नहा के ये निकली थी तो मैंने इसको हटाने की कोशिश किया कि वैसे भी ये लोग कहती है कि इन लोग पहले आते हैं। अब मेरा आदमी इनको लेकर गया, इनके चोट लगा था, इनकी सांस गिर गई, यहाँ पे बेहोश हो गई, गिरा दिया मार दिया, छुड़ाने लगे सर, होश नहीं आया। फिर हम लोग लेके कैसे भी जब ये लोग दवा खाने गए तो हमको जब बुलाया गया तो वहाँ जब पुलिस चौकी में गए बोले लगे तू बैठ, अभी तेरा आदमी आएगा तब तू जाएगी। हमने ठीक है। अच्छा, मुंबई पुलिस ने? हाँ जी हाँ। मतलब ये आपने बताया ये लोग मार के और फिर आते हैं? कुछ नहीं बोला है पुलिस को, ये नहीं बताया जो हाथ पे मारे और ये सब करके इन लोग आए? हमने पूछा क्या हुआ, हमने कहा सर हमें मालूम नहीं नल पे क्या हो रहा था, मैं पढ़ रही थी और इन लोग कब क्या हुआ मुझे पता नहीं, हम पढ़ रहे थे और हम कहीं इन लोग ने भी मारा, हमने सर हमने मारा नहीं है, हम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह हमको समझेगा, नहीं तो झूठ बोलने वालों को ऊपर वाला समझेगा। वैसे भी मुकाला है, सड़ी गली है और सड़े गलेंगी, रमजान में किसी को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं ना सर। रोज का रोज इन लोग का काम यही है, रोज लड़ाई करने का। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपके जो हस्बैंड है वो बाहर चड्डी पहन के नहाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है? देखिए चड्डी लेके आप वाला बताए, इतनी इतनी सभी लोग चड्डी पहनते हैं और रात में 12 बजे मेरा आदमी 11-12 बजे आता, सन्नाटा हो जाता गली में, इज्जतदार लोग हैं तो चलिए बाहर पानी ये रखा है यही बैठ गए, वो भी हम लोग ने बंद करा दिया अपने आदमी को कि सही बात है मोहल्ले में लड़कियां, देखिए अपनी लड़कियां वैसे दूसरे की लड़कियां, वो बात मगर नहाते थे ये बात तो सही है ना, वो बात खत्म हो गई। ये चड्डी पहन लिया या पहन के वो कर लिया तो इसके लिए बुरा ही है। अब वो बता रहे इससे छोटी चड्डी पहन कर, छोटी चड्डी रात में 12 बजे यहाँ पे बैठे अपने दरवाजे पे, वो भी सब बंद है, उधर वाल कोई है कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों में हो जाते, वो भी मना कर दिया। कई बार हमने अपने आदमी को बोला कहीं रात दिन में नहीं नहाते, मतलब रात में 12 बजे कभी नहीं भाई, मेरे सुबह 8 बजे मेरा आदमी चला जाता और रात में 11 बजे आता है, उसके लिए आप चाहे आप ही किसी की दुख मुसीबत पड़ेगा तो हम लोग बिंदास जाएंगे, उसके लिए चाहे हमको कोई कहे तुमने खून कर दिया चाहे कतल, और मेरा दरवाजा नहीं होता तो साहब हम लोग नहीं बोलते, मगर वो हमेशा की आदत है उसको, हम लोग से तकलीफ है इसलिए हम पढ़ रहे थे इनके नल पे वहाँ क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं, फिर भी हम अपनी लड़की को नहा के निकली, हम अपनी लड़की को अंदर कर रहे थे, मेरी लड़की को लेके इन लोग को सबको तकलीफ है।